हेलो दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम ये जानेंगे कि कंप्यूटर की फर्स्ट जनरेशन के अंदर जो मुख्य इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस हुआ करती थी या इलेक्ट्रॉनिक घटक हुआ करता था वैक्यूम ट्यूब्स, तो एक्चुअल में वैक्यूम ट्यूब्स कैसे काम करती थी और साथ ही साथ कंप्यूटर की फर्स्ट जनरेशन के अंदर कौन कौन से सिस्टम आते थे जिनके अंदर वैक्यूम ट्यूब्स का इस्तेमाल किया गया है। तो आइए शुरू करते हैं। दोस्तों, सब्सक्राइब करें हमारे चैनल हाई स्कूल इंस्ट्रक्टर को और पास में बने बेल आइकन को दबाकर नोटिफिकेशन में ऑल को सेलेक्ट करें ताकि आपको मिले हमारे सारे वीडियोस की नोटिफिकेशन सबसे पहले। दोस्तों, वैक्यूम ट्यूब्स में डायोड हुआ करते थे और डायोड के अंदर दो इलेक्ट्रोड्स होते थे, एनोड और कैथोड। जब इन दोनों एनोड और कैथोड को पावर लाइन या फिर बैटरी से या फिर मतलब आप कह सकते हैं बिजली से जोड़ा जाता था, तब एनोड को बिजली दी जाती थी जिससे कि वह गर्म होता था, जो कि इलेक्ट्रॉन्स का उत्सर्जन करता था। जो इलेक्ट्रॉन्स होते थे दोस्तों, वह एनोड से कैथोड की तरफ जाते थे। तो इस तरीके से दोस्तों कुछ वैक्यूम ट्यूब्स काम करती थी। अब दोस्तों, जो इस फर्स्ट जनरेशन के जो कंप्यूटर थे जिनके अंदर वैक्यूम ट्यूब्स का इस्तेमाल किया गया था, वह आकार में काफ़ी बड़े हुआ करते थे और साथ ही साथ ये बहुत ज़्यादा जल्दी गर्म हो जाया करते थे, इसलिए इन्हें रखने के लिए काफ़ी कूल या ठंडे एनवायरनमेंट की ज़रूरत पड़ती थी। दोस्तों, जैसा कि आप देख सकते हैं, यहाँ पर मैंने वैक्यूम ट्यूब्स की एक आपको फ़ोटो दिखाई है। इसके माध्यम से आप समझ सकते हैं कि वैक्यूम ट्यूब्स दिखने में कैसी हुआ करती थी। अब दोस्तों, यहाँ पर हम जो मेन इस फर्स्ट जनरेशन ऑफ कंप्यूटर के अंदर जिसके अंदर वैक्यूम ट्यूब्स को इस्तेमाल किया गया, उनके सिस्टम के बारे में हम जानेंगे। फर्स्ट जो सिस्टम था दोस्तों, वो था ENIAC, ENIAC, जिसकी फुल फॉर्म थी इलेक्ट्रॉनिक न्यूमेरिकल इंटीग्रेटर एंड कंप्यूटर। उसके बाद में दोस्तों, जो सेकेंड जो कंप्यूटर आया, EDVAC, EDVAC, इसकी फुल फॉर्म थी इलेक्ट्रॉनिक डिस्क्रिक्ट वेरिएबल ऑटोमेटिक कंप्यूटर। उसके बाद में जो तीसरा कंप्यूटर आया दोस्तों, वो था IBM 701, जिसकी फुल फॉर्म थी इंटरनेशनल बिजनेस मशीन 701। तो दोस्तों, ये था एक छोटा सा जो इंट्रोडक्शन कि वैक्यूम ट्यूब्स कैसे काम करती थी और इनके साथ में किन किन सिस्टम्स के अंदर यहाँ पर वैक्यूम ट्यूब्स का इस्तेमाल किया गया था। तो अगर से आपको हमारा ये वीडियो अच्छा लगा तो ज़रूर से हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक और शेयर करें।